जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली राशिफल के बारे में, यानी साप्ताहिक राशिफल। 11 से लेकर 17 सितंबर तक 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह का ग्रह गोचर देखा जाए तो शनिदेव तृतीय भाव में अभी वक्री रहने वाले हैं। गुरु और राहु जो हैं मेष राशि के अंदर रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र और चंद्रमा की युति इस सप्ताह रहेगी और बुध आदित्य योग बनने वाला है और काफ़ी राशियों को लाभ भी ये बुध आदित्य योग पहुंचाने वाला है। मंगल देखा जाए तो इस सप्ताह कन्या राशि यानी अपनी शत्रु राशि में रहेंगे। मंगल के कारण फोड़े फुंसी की समस्या भी रहेगी, गुस्सा भी आपको आ सकता है, चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। आप क्या क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो भाई नौकरी या काम में कन्या राशि को कोई बैड न्यूज इस सप्ताह अपने से संबंधित मिल सकती है। कोई प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है, कोई डील कैंसिल हो सकती है, ऐसा कुछ भी बैड न्यूज़ के लिए आपको इस सप्ताह तैयार रहना होगा, मेंटली तैयार रहिएगा, ऐसा है। या फिर करियर में कोई बड़ी परेशानी का सामना आपको इस सप्ताह करना पड़ सकता है, यानी 11 सितंबर से 17 सितंबर तक करियर में बहुत बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और लेकिन इस सप्ताह आप एक अजीब सी चीज़ देखेंगे कि आपकी बड़ी परेशानी में आपका परिवार, आपके मित्र आपके साथ में खड़े रहेंगे, यानी विपत्ति में आपके साथ में खड़े रहेंगे। यानी स्थिति जरूर विपरीत है इस सप्ताह, लेकिन आपके साथ में आपके वेल विशर खड़े रहेंगे। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए व्यापार की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है, यानी कि काफ़ी अच्छा काम में वृद्धि होगी इस सप्ताह। देखा जाए तो चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, तो कन्या राशि वाले इस सप्ताह किसी की एडवाइस से कहीं भी धन निवेश ना करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचें। ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो आपको वेस्ट मनी जाएगी। तो कुल मिला के इस सप्ताह आपको धन निवेश नहीं करना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए घर के अंदर पूजा पाठ मौका सत्संग बना रहेगा, यानी माहौल बना रहेगा। आपके बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे और फैमिली के साथ में वीकेंड में मंदिर के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप में जो पति पत्नी या पार्टनर के बीच में, लव कपल के बीच में जो वाद विवाद चल रहे थे, किसी व्यक्ति के आने से वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। यानी आपके बीच में कोई व्यक्ति आके आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने वाला है, यानी कि रिलेशन की मधुरता की दोबारा शुरुआत होने वाली है।